गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी के किरदार को निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। जी हां, खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 में नजर आने वाली हैं। और जब से इनके फैंस को पता चला है कि ये इतने बड़े स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं, तो सभी इन्हें अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहीं अब इसी बीच इनकी को स्टार रही आयशा सिंह ने भी रिएक्शन देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। जी हां, आखिरकार उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, अगर आप भी उनके रिएक्शन से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी के प्यार में पाखी के किरदार में नजर आ रही हैं, जहां सीरियल में इनकी एक्टिंग और इनकी अदाकारी को सभी खूब पसंद करते हैं। पर ऐश्वर्या शर्मा ने इस सीरियल को अब हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही है। और आपको बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा को गुम है किसी के प्यार में सीरियल को इसलिए अलविदा किया है क्योंकि इन्हें खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 में जाने का सुनहरा मौका मिला है। और इसी वजह से इन्होंने अपने हिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ये खतरों से भरे स्टंट का सामना करना चाहती है और अपने अंदर के डर को भी मिटाना चाहती है। वही जैसे ही इनकी को स्टार आयशा सिंह को जैसे ही पता चला कि ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़े हिट शो का हिस्सा बनने वाली हैं, तो उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें इतने बड़े रियलिटी शो में जाने का मौका मिला और मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 की विनर भी बनोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि एक अच्छे कंटेस्टेंट के अंदर होनी चाहिए और तुम बहुत स्ट्रांग भी हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम करो। वेल दोस्तों, ऐश्वर्या शर्मा को खतरों के खिलाड़ी के सीजन 13 में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।